ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है अबाउट डाइसन एयर रैप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेमांगी गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल गौड़ स्पीक्स पर। ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है अबाउट डाइसन एयर रैप। तो जब मैंने ये बाय किया था दिवाली ऑफर में, मैंने ये वाला बॉक्स जो बहुत भारी है वो बाय किया था। इसमें एक रेड वाला भी था एंड द रीजन आई बॉट इट इज मुझे 30,000 में पड़ा। इन कंपैरिजन इसका प्राइस 45,000 तक चल रहा था, तो मुझे लगता है ये अच्छी डील थी और मैंने ये विजय सेल से बाय किया था। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग विजय सेल्स, तो ये डाइसन का डब्बा बहुत हैवी है। दिवाली ऑफर में ये बैग भी फ्री मिली थी। ये बैग ट्रैवल फ्रेंडली है, सो इट इज इजी टू कैरी डाइसन जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इन कंपैरिजन टू वो हेवी ब्लू बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया। इन एडिशन टू दिस मुझे ये पैडल ब्रश भी फ्री मिला और ये डिटैंगल करने वाला कॉम्ब भी मुझे मिला जो मेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है क्योंकि इससे बालों के जो नॉट्स होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं और हेयर ब्रेकेज भी नहीं होता। तो मैं अभी बाल गीले करके आई हूँ। जनरली जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं मूज भी लगाती हूँ गीले बालों पे, क्योंकि इट होल्ड इन द कर्ल्स और वट एवर हेयर स्टाइल जो मैंने किया है वो ज्यादा टाइम तक टिकता है। अभी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं घर पे बैठने वाली हूँ और मुझे घर पे लाली मेकअप करके रानी की तरह नहीं बैठना है। सो दिस इज द मेन अटैचमेंट एंड ये ऑन ऑफ का बटन है। अभी सिर्फ इधर हवा निकल रही है। ये जो रेड है दिस इज थोड़ा हीट एंड दिस इज मैक्सिमम हीट एंड दिस इज ओनली ब्लो ड्राई। अभी मेरे बाल गीले हैं तो आई विल यूज दिस अटैचमेंट दैट इज प्री स्टाइलिंग हेयर अटैचमेंट। इसको मैं पुल करूंगी नीचे ऑन द अदर साइड, इसको मैं पुल करूंगी। आई विल अटैच इट। जैसे ये अटैच होता है इट्स नॉट मूविंग, इसका हेड मूव नहीं हो रहा है। आई विल लीव इट, स्विच इट ऑन। गर्म हवा चाहिए तो आई विल गो ऑन दिस हीट और गर्म हवा आने लग गई। ऑल दीज थिंग्स आप बहुत इजिली सीख जाओगे, आपको बस एक दो बार यूज करके देखना है। प्रैक्टिकली आप जब यूज करने जाओगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग पूरी तरीके से बाल ड्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़े बाल गीले चाहिए बिफोर यूजिंग दीज अटैचमेंट। और अभी आई एम सेक्शनिंग माई हेयर। मेरे बाल पतले हैं तो दीज टू आर स्मूथनिंग ब्रश। आई थिंक ये बहुत बेस्ट है मेरे लिए क्योंकि मेरे बाल इतने थिक नहीं है, बट दिस वन हेल्प्स मी स्मूथ इन माई हेयर और ये जो जितना भी फ्रिज है वो निकालने में मदद करता है। जब आप ये अटैचमेंट यूज करते हो ना, इसे नॉर्मल हेयर ब्रश की तरह मत यूज करो। यूज द हेयर ब्रश इनवर्स जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला अटैचमेंट आपके बालों को सलोन ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट देगा। आई होप यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। दिस इज जस्ट ऊपर ऊपर से ड्राई किया हुआ एंड दिस इज बाय यूजिंग दैट स्मूथनिंग ब्रश। आई लव माई हेयर इवन दो इट्स कैंटी। आई मीन जो इफेक्ट मुझे मिला है आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैंने वापस बाल गीले किए आफ्टर लुक वन। या नाउ इट इज सेमी वेट। सेक्शन योर हेयर। दो टाइप के बैरल्स मेरे पास है, एक 40mm एंड दिस इज द 30mm वन। 30mm वन मैं यूज करती हूँ क्योंकि मेरे बाल पतले हैं। दोनों बैरल्स पे आउटवर्ड साइड एरोज है। लेफ्ट साइड है मेरा, दिस विल ऑल्सो गो आउटवर्ड लेफ्ट। आई एम गोइंग ऑन द हाइएस्ट वन सो दैट इट सक्स इन माई हेयर विद ऑल द एयर दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट। फिर मैं ये बंद करती हूँ और हीट वाला चालू करती हूँ। आई गो ऑन द हाइएस्ट, होल्ड इट फॉर 30 seconds। मैं ये नीचे करती हूँ एंड देन आई गिव अ 10 second कूल शॉट। डाइसन बाय करने के पहले मैंने बहुत सोचा क्योंकि इट्स सुपर एक्सपेंसिव, बट देन आई थॉट कि लेट मी लुक एट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए डाइसन के एडवांटेजेस ज्यादा थे और कॉन्स कम थे। आई शूट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, बालों को इतना आयरन और कर्ल करना पड़ता है
कि बालों के लिए ये बहुत हार्मफुल हो जाता है, एक्चुअली हार्मफुल है। इतना हीट मैंने यूज किया ना बालों पे कि वो डैमेज नेक्स्ट लेवल पे था। आई कैन कीप इट लाइक द वे इट इज, फुल कर्ली कर्ली वाला लुक, बट दिस नॉट व्हाट आई लाइक। आफ्टर रिमूव दिस मैंने बैरल चेंज किया है, देखो आपको आउटवर्ड से करीब आप रूट के अगर लाओगे बैरल, इतना कर्ली इट विल लुक। दिस इज लुक टू, फुली कर्ली है। आई डोंट लाइक इतना ज्यादा टाइट कर्ल, सो फ्लिप इट बैक। My vibe, loose curls, natural it looks, baby, very hemangi. I'm not very happy with this barrel. मतलब जब मैं ये use करती हूँ curl करने के लिए, ये जो bristles है, bristles में मेरे बाल अड़क जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे बाल थोड़े छोटे होते थे तो मैं ये bouncy look देने के लिए डेफिनेटली यूज करती थी। आप ये डायसन EMI पे खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो डायसन एयर रैप के बारे में तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।